shots. I don't need a gun to get respect up on the street. I got broads in Atlanta. Just took the V in the family. Credit cards in the scammers. Getting the licks in the family. Legacies. गाइज आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जामोट भाई आपने अनबॉक्सिंग की वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं बनाई, तो प्लीज़ अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाए। तो आप दोस्तों के सामने मैं लीग में नंबर 1 पर हूँ और फ्रेंड्स में नंबर 3 पर हूँ और कंट्री में नंबर 4 पर हूँ और वर्ल्ड में टॉप 100 के अंदर हूँ मैं। तो मैं आपको पूरा यानी कि वो बताऊँगा कि जो मैंने जेम्स अनबॉक्स किए हैं, मतलब बॉक्स परचेस किए हैं, वो जेम्स मेरे पास कहाँ से है, वो सारा कुछ। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये संडे की वीडियो है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लीग ख़त्म होने में अभी 16 घंटे बाकी हैं लीग ख़त्म होने में। हाँ तो गाइज आज मंडे के दिन मैंने ये अपना अकाउंट ओपन किया, तो यहाँ पर मुझे कंट्री से भी 200 जेम्स मिल गए और 500 जो जेम्स है वो उधर से भी मिल गए होंगे, लीग से भी। इस तरह देखते हैं, मुझे ये कन्फर्म याद नहीं मेरे पास टोटल कितने जेम्स हो जाएंगे, क्योंकि 400 पहले भी मेरे अकाउंट के अंदर पड़े थे, तो मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर जेम्स तो जाने चाहिए। यहाँ पर देख लेते 1100 जेम्स हो गए। तो गाइज आज हम देखते हैं, यहाँ पर फिर से मैं आपको कंट्री एक मरतबा चेक करवाऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में लास्ट वीक का रिज़ल्ट तो मैं ही पहले नंबर पर आया था, मतलब आप देख सकते हैं। और इसके मेरे ख्याल से 550 जेम्स मिले, अच्छा तो इसीलिए 1150 से हो गए, मैं भी तो सोच रहा था भाई। ओके तो गाइज अभी चलते हैं, यहाँ पर हम लोग ओपन कर लेते हैं बॉक्सेस। हमारे पास 1150 जेम्स हैं, तो सारे दो दो बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। और सबसे पहले हम लेजेंडरी 500 जेम्स वाला ओपन कर रहे हैं, आई होप कुछ अच्छा ओपन हो जाए, क्योंकि मेरे पास पक्स तो सारे ओपन है और स्ट्राइकर्स में भी सिर्फ दो ही स्ट्राइकर बचे हुए हैं, जिनमें से मेरे ख्याल से एक तूफान स्ट्राइकर है और एक फोनिक्स स्ट्राइकर, तो वो ओपन हो जाए तो भाई फिर मज़ा आ जाएगा। तो दूसरा बॉक्स भी यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया, देखते हैं क्या कोई अच्छी चीज़ इसके अंदर निकलती है या नहीं निकलती। और यहाँ पर गाइज चले यार, ये दोनों बॉक्स तो ऐसे ही फालतू में गए, इसमें तो कुछ भी नहीं निकला। अब दो में सिल्वर यानी मास्टर बॉक्स ओपन करने वाला हूँ, तो देखते हैं काश इसके अंदर कुछ अच्छा निकल जाए। तो यहाँ पर भाई ये बाली स्ट्राइकर अपग्रेड हो रहा है और यहाँ पर पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पर भाई लोग अभी मैं यहाँ पर से दूसरा बॉक्स भी ये मास्टर का ओपन कर लेता हूँ, तो आई होप इसके अंदर मतलब यार कुछ भी अच्छा नहीं निकल रहा यार, क्या करें। ये स्ट्राइकर को मैं अपग्रेड करके भी क्या करूँगा, मेरे पास इससे अच्छे स्ट्राइकर हैं। तो प्रो बॉक्स अभी मैं प्रो चेस्ट ओपन करने वाला हूँ भाई, जब मास्टर और लेजेंडरी ये नहीं है, मैं गलती से बोल रहा हूँ लेजेंडरी, तो जब उनके अंदर कुछ नहीं निकला तो ये प्रो बॉक्स के अंदर क्या निकलेगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर वाकई में कुछ भी नहीं निकला, एक स्ट्राइकर अपग्रेड होगा इलेक्ट्रो स्ट्राइकर, तो इसको भी अपग्रेड कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर अब ये सबसे पहले मैं यहाँ पर से बाली स्ट्राइकर, यार ये कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब 2-3 लाख कॉइन्स ले रहे हैं ये 3-4 स्ट्राइकर सिर्फ। या मेरे ख्याल से जब ये ज़्यादा अपग्रेड हो जाते हैं तो इनमें ज़्यादा कॉइन्स लगते हैं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में लाजमी से बताना है आप लोगों ने। तो भाई लोग यहाँ पर मैंने सारे जो स्ट्राइकर्स अपग्रेडेबल थे उनको मैंने अपग्रेड कर लिया, और पक्स में मेरी एक जो पक्स थे ना फोन बेस पता नहीं क्या उनका नाम है, वो मेरे फंसे हुए थे, वो फाइनली मेरे सुबह ओपन हो गए थे ये वाले, तो आज इनके साथ हम लोग गेम प्ले करेंगे फर्स्ट टाइम। हाँ तो गाइज यहाँ पर मैंने नियो के अंदर मैच लगा दिए, फोन बेस पता नहीं क्या यार इनका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, इनके साथ हम फर्स्ट टाइम गेम प्ले करने वाले हैं। और रूबी स्ट्राइकर मैंने ले रखा है यहाँ पर, तो देखते हैं हमारे हीट रन है ये, और पक्स भी काफ़ी अच्छे यार एंगल में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं दो डिस्क को पोर्ट करने की ब्रेक के अंदर कोशिश करूँगा, आई होप मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर पोर्ट कर लूँ। सो गाइज यहाँ पर मैंने ज़बरदस्त किस्म का ब्रेक करते हुए दो डिस्क को पोर्ट कर दिया, अभी मैं टॉप लेफ्ट में यहाँ पर से पोर्ट करता हूँ। और यहाँ पर गाइज तो देख लेते हैं भाई ज़बरदस्त यार क्या गेम प्ले, अभी मैं टॉप राइट में पोर्ट करूँगा क्योंकि मुझे लगता है मेरे कुछ डिस्क ओपन हो जाएंगे यहाँ से, तो इस वाले डिस्क को पोर्ट करते हैं। तो चले भाई ओपन, और तो कोई ओपन नहीं है लेकिन एक क्लोज ज़रूर हो गई है भाई। तो सबसे पहले यार कुछ करते हैं ये नीचे वाले डिस्क को यहाँ पर पोर्ट करने की, टॉप बॉटम लेफ्ट में पोर्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी टॉप वाली एक दो डिस्क जो हैं वो भी थोड़ी सी सही पोजिशन में यहाँ पर आ जाएगी कुछ इस तरीके से। ओके तो भाई लोग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भाई मेरे 5 डिस्क पोर्ट हो चुके हैं, सिर्फ 4 डिस्क रहती हैं। तो सबसे पहले मैं कनेक्शन शॉट खेलने के लिए ट्राई करूँगा, तो ये ज़बरदस्त वाली शॉट खेलने के बाद अभी मैं टॉप राइट में दोबारा से ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरे जो 2 अटके हुए हैं वो भी यहाँ से ओपन हो सकते हैं। काफ़ी रिस्की शॉट है लेकिन ज़बरदस्त शॉट यहाँ पर मैंने लगा दी है। सो गाइज इस शॉट को लगाने के बाद मेरे हिसाब से दोनों डिस्क ओपन हो चुकी हैं, मैं दोनों को मतलब
कुछ इनडायरेक्ट तरीके से खेल सकता हूँ। एक तो बॉटम राइट में यहाँ पर मैं इनडायरेक्ट शॉट खेलता हूँ, सो यहाँ पर देखते हैं क्या ये पोट होती है या नहीं होती। ये तो पोट होगी, लेकिन मैं ऊपर वाली को ओपन करने चाहता था बट नहीं हुआ। तो आप लोगों ने जल्दी से बताना है, 4-5 सेकेंड आप लोगों के कॉमेंट में वीडियो को पॉज करके बताएं क्या ये मैं लास्ट शॉट पोट कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि ब्रेक टू फिनिश होने वाला है ना भाई। यहाँ पर भाई मैं यहाँ पर बॉटम लेफ्ट में यहाँ पर मैं पोट करने वाला हूँ। तो ये शॉट आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है। मतलब आप लोगों को क्या लग रहा था कि मैं पोट नहीं कर पाऊंगा? सो बस यार, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी से बताना है आप लोगों ने। और मज़ीद अगर आप कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। सो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।